हेलो जय हिंद दोस्तों, और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बच्चे बड़े रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आपने कोई UPSI की अपडेट दी नहीं है, कम से कम 20-25 दिन हो लिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे ये ट्रेंड चल रहा है कि भाई आपकी जो वैकेंसीज हैं UPSI की वो जनवरी के एंड तक आ जाएंगी। उसके बाद में ये चलाया जा रहा है, जो आपका विप्रो फाइनलाइज हुआ था, विप्रो जो आपका एग्ज़ाम कराने वाला था, तो विप्रो को हटा के अब TCS लेके आ TCS को दोबारा टेंडर दे दिया गया है, जो कि TCS वही है 2016 में जिसने बच्चों का नाश करा था नॉर्मलाइजेशन वगैरह में, और बच्चों का फ्यूचर अब भी वो भर्ती बीच में टंगी रहेगी। तो उसकी ही बात करेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बहुत से चैनल्स हैं जो ये फैला रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग आएगी इस बार UPSI में, जो कि 2016 में थी नहीं, और साथ में हद तो ये होगी, साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई जो आपकी नेगेटिव मार्किंग तो आएगी आएगी, जो आपका सेक्शन वाइज जो आपको सब्जेक्ट में 50% हर सब्जेक्ट में लाने होते थे वो भी रहेगा रहेगा। तो सभी फैक्ट्स पर बात करते हैं। तो देखिए भाई, एक छोटी सी और बता दूं, फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखो, अगर कोई नया हो चैनल को तो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। IPC CRPC की 3-4 बुक अभी रिलीज़ हुई हैं UPSI के लिए स्पेशल, तो उसकी वीडियो मैं अलग लेके आऊँगा। IPC CRPC और मैथ जो 2020 में अब कॉम्पिटिशन अलग हो चुका है उसके बारे में बात करूँगा। तो बुक्स वाली वीडियो शाम को आएगी, पूरा आपको बताऊँगा मैं, उसका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलो मैं पहले जो मेन बात है उसके लिए आ जाऊँ। तो भाई, बड़ी रिक्वेस्ट थी कि सर आप कहाँ फरार हो गए, इतने दिन हो लिए, ये हो गया वो हो गया, और आपने बिल्कुल भी कुछ बताया ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब क्या अपडेट चल रही है। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जो आपका आपको पता होगा PLE डरी थी हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई 10 जनवरी को है। मैं उन बच्चों के कॉन्टैक्ट में हूँ, ठीक है ना, उन बच्चों के कॉन्टैक्ट में हूँ, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं ला रहा था कि ये फालतूबाजी की अगर मैं डेली वीडियो लाऊँ कि अब आ रही हैं, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं हकीकत बताऊं, जो ये बात चल रही है कि जनवरी के एंड में आने वाली है, तो देखो भाई, मैं तो चाहता हूं कि जनवरी के एंड में आ जाए, पर जनवरी में अभी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है मुझे। तो दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि केस ये है फलाना है ढिमका है, हकीकत तो ये है, उन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि जो 10 तारीख को जो बहस होनी है उसका वकील कौन है, ठीक है ना। अधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा, जो बच्चे यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि ये होने केस में कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, चलो ठीक है, आपने पेपर में भी देखी होगी। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो 10 जनवरी से पहले मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में, मैं उन लड़कों के कॉन्टैक्ट में हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही 10 जनवरी को कुछ सुनवाई होती है, जैसे भी कोई वकील जी के बारे में कुछ भी अपडेट आती है, तो मैं वो आपको चैनल पर एकदम थ्रू दूंगा, क्योंकि सरकार से पहला ही, अगर हम वकील की बात करें तो जो 10 तारीख को वकील जो रहेंगे उन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले तो मैं डिमांड करूंगा पहले ही सुनवाई में कि जो कोर्ट है वो नोटिस भेजे गवर्नमेंट को कि भाई आप अपना उसका रिप्लाई दो, आपने वैकेंसीज क्यों नहीं काटी, आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये कहा था कि वैकेंसीज हर साल आएंगे। तो भाई अगर वैकेंसी की बताऊं तो वैकेंसी के देखो, मुझे नहीं लगता कि जनवरी के एंड में जाएगी, पर एक बात मैं अपने मन से बताऊंगा एंड में कि कब तक पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, जो बोल रहे बच्चे बोल रहे हैं कि विप्रो जो आपकी कंपनी कराने वाली थी, विप्रो आपको पता है बैंक वगैरह के एग्ज़ाम कराती है ये अच्छे खासे, और आपने देखा होगा बैंक का कभी पेपर नहीं लीक होता और अच्छी तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है, सब कुछ होता है, और UP गवर्नमेंट ने परेशान होकर TCS को हटा दिया था इस बार और विप्रो को UPSI का टेंडर दिया था, पर अब फैलाया जा रहा है झूठ कि भाई विप्रो को हटा दिया। तो विप्रो के आप देख सकते हो जो NDTV की जो ऑनलाइन इनका जो वेबसाइट है वहाँ पर आप आज का ही बयान है विप्रो के चेयरमैन का, उन्होंने कहा है कि हमारा जो UPSI वो भी UP गवर्नमेंट के द्वारा आ चुका है। तो आप सोच रहे हो ना, जो कंपनी आपका एग्जाम कराने वाली है उसको 50% दे भी चुकी है गवर्नमेंट एडवांस, तो आप सोच सकते हो आपका एग्जाम नहीं आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग आएगी या नहीं आएगी। तो बॉस देखो, सीधी सी बात एक मैं बता दूँ, नेगेटिव मार्किंग का भी कुछ नहीं पता नेगेटिव मार्किंग आएगी या नहीं आएगी। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ औरों की तरह कि मैं आपको बता दूँ कि नेगेटिव मार्किंग आएगी, पर एक बात मैं बता दूँ, सबसे पहले अगर नेगेटिव मार्किंग आई तो भाई सीधी सी बात है, अगर नेगेटिव मार्किंग आती है तो जो आपका सब्जेक्ट में कि आपको पिछली बार जैसे 50% वो आपको मार्क्स लाने थे, इस बार आपको बिल्कुल भी कोई भी मार्क्स ऐसा नहीं होगा कि आपको 50% मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना। अगर नेगेटिव मार्किंग आती है तो ये वाला सेक्शन आपका हटा दिया जाएगा कि आपको 50% मार्क्स लाने हैं, सब्जेक्ट में पास होना ही होना है। तो भाई अभी देखो, नेगेटिव मार्किंग का मैं फिर से कह रहा हूँ, ना तो किसी ऑफिशियल ने जिक्र किया है कि भाई हाँ, ना किसी अधिकारी ने, ना भर्ती बोर्ड के अधिकारी ने, ना कुछ, तो नेगेटिव मार्किंग का भी कुछ पता नहीं। हाँ, नियमावली संशोधित होने गई है, अब देखो नियमावली में क्या होता है क्या नहीं, पर एक चीज़ सुनने में आ रही है मेरी, जो कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं
वो या तो आपके कम ही हो सकते हैं, कम होने की देखो सुनने में आ रही है, मैं इसको आप श्योरिटी नहीं कह सकता। और जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम हो सकते हैं, और नंबर की एक जैसे 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था तो शायद ये 2 नंबर का भी हो सकता है, पर घबराने वाली बात नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग आई तो 1/4 की ही रहेगी, 1/3 की नहीं रहेगी। तो भाई किसी की बातों में मत आओ। सबसे पहली बात तो अगर देखो, सबसे पहले तो अभी तो फिलहाल आप कुछ नहीं कह सकते। जनवरी के एंड में अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको कब तक पॉसिबिलिटी लगती है, तो भाई एक बात तो मैं कहूँगा कि मार्च से तो आपका पहले पहले कुछ ना कुछ अपडेट इसमें आना है। मैं ये नहीं कह रहा भाई वैकेंसीज आपकी मार्च से पहले आ जाएंगी, बट हाँ नियमावली संशोधित होगी मार्च से पहले, और भर्ती बोर्ड का कुछ ना कुछ इस पर बयान आएगा ज़रूर, अगर हम केस को हटा दें। अगर हम बात करें केस की, जो 10 जनवरी को केस चल रहा है, मैं उन लड़कों को जानता हूँ जो ग्रुप में है, जो केस लड़ा रहे हैं, वकील को भी जानता हूँ अच्छी तरह। 10 जनवरी को सबसे पहले सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा कोर्ट के द्वारा कि भाई आपको एक हलफनामा जो आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया था लिखित रूप पे बताएं कि हम वैकेंसीज कब तक देने वाले हैं। और रही बात उम्र सीमा की, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उम्र सीमा 2017 से 2017 के अकॉर्डिंग ही लगाई जाएगी। मान के चलो अगर आपकी एज 1 जुलाई 2020 से लगे, मान के चलो हाइपोथेटिकली सोचो 2021 से लोगे, तो 2020 में वैकेंसीज आएंगी यार, ज़्यादा घबराऊ मत, 21 में नहीं आने की, गलती से लग गया। तो भाई 2020 एक साल, ठीक है ना, एक साल, फिर 2019 दो साल, 2018 तीन साल, और 2017 चार साल। तो कम से कम 4 साल का आपको एज रिलैक्सेशन 100% मिलेगा, ठीक है ना। और जो बच्चे कोर्ट गए हैं वे सभी ओवर एज हैं भाई, इसीलिए कोर्ट गए हैं कि बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। आपने अगर बच्चों को भरोसा दिलाया था कि भाई हम जनवरी में तो हम लिखाड़ेंगे कॉन्स्टेबल की, और मार्च के एंड तक लिखाड़ा करेंगे हम ऐसा है कि हर साल, और जो कि एक भी पूरी नहीं हुई है। कॉन्स्टेबल की भी अगर देखी जाए तो जो 49,568 वैकेंसीज आई थी, और जो 41,520 वैकेंसीज आई थी, ये 2018 के नाम से एडवर्टाइजमेंट के नाम से आई थी। मतलब 2019 में कोई भी वैकेंसी, 2019 के एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से कोई भी वैकेंसीज यूपी पुलिस में नहीं आई है, ना ही कॉन्स्टेबल की और ना ही SI की आपकी। तो मेरा बस आप सभी से यही अनुरोध है यार, प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़े। मैं आपको 100 बार कह चुका हूँ, अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं बताऊँगा ना, मेरा काम है आपको। अब कोई बच्चा आपको बोल दे रहा है जनवरी के एंड में आएगी, तो भाई मैं तो देखो उसके मुंह में घी शक्कर, मैं किसी को ये नहीं कह रहा। अगर कोई कह रहा है कि जनवरी के एंड में आएगी तो भाई उसके मुंह में घी शक्कर, पर कुछ मतलब एक बात तो, कुछ प्रूफ तो हो। अभी किसी अधिकारी ने कुछ बयान नहीं दिया है, कुछ नहीं, सब बिल्कुल शांत पड़ा है मामला UPSI को लेके। अब इसके बीच में अगर कोई वीडियो लाए कह रहा है कि फलाना जगह से मुझे पता चला है, तो वो झूठ है। बच्चे मेरे जान पहचान के लखनऊ में भी है, मेरे रिलेशन वाले भी 2-4 सचिवालय में भी है लखनऊ में, एक मेरा मित्र है वो भर्ती बोर्ड में ही कंप्यूटर ऑपरेटर है। तो अभी अगर हकीकत बताऊं तो कोई अपडेट नहीं है, पर हाँ गहमा गहमी चल रही है अंदर भर्ती बोर्ड के, ठीक है ना। भर्ती बोर्ड के 100% आपकी वैकेंसीज, एक चीज़ तो लिखवा के ले लो मैं, मार्च देखो मार्च तक आपका कुछ ना कुछ पक्का नोटिफिकेशन आएगा। और अगर बिल्कुल एंडी तोड़ी तोड़ी ले लिया जाए ना, तो अगस्त 2020 से पहले पहले आपकी 100% वैकेंसी जाएंगी, इससे पीछे तो बिल्कुल हटने वाली है नहीं, ये तो आप मान लो मेरी बात। तो प्लीज़ इधर उधर मत जाएं। देखो यार मैं तुम्हें कह चुका था कि यार तुम एक वैकेंसी के चक्कर में मत पड़ो, CGL की तैयारी करो, CHSL की तैयारी करो, इनके एग्ज़ाम दो। अब देखो CGL और CHSL वाले बच्चे कितना फ़ायदे में रह गए, जो CHSL CGL की तैयारी में लगे थे उनका, अगर जो अब भी UPSI की तैयारी कर रहा हो वो भी CHSL CGL की तैयारी कर सकता है, जिनने फॉर्म भरा हो। देखो अब उनका मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, CGL का तो मार्च के फर्स्ट वीक में ही ख़त्म हो जाएगा, और ये CHSL मार्च के एंड तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। मार्च के बाद इन्हें 2 महीने लगेंगे बस, और 2 महीने में ना लग से क्या पढ़ना है, IPC और सिर्फ हिंदी, और तो सब इनका सिलेबस सेम ही है। तो भाई मैं इसीलिए कह रहा था आपको बार बार कि प्लीज़ अगर कोई बच्चा हो रहा हो SI की तैयारी पे, तो देखो यार मैथ रीजनिंग और GS तो सबका सेम ही है ना, तो एक बार आप अगर एक एग्ज़ाम के पीछे ही लगे रहोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। और इसमें UPSI में बहुत ही बेहिसाब कॉम्पिटिशन रहने वाला है, पूरा CGL का जितना बच्चा होगा प्री देखे वो संतुष्ट हो जाएगा, वो फिर पूरा फोकस अपना SI पे करेगा, ठीक है ना। पूरा CHSL का बच्चा जितना भी था वो पूरा फोकस SI पे करेगा, ठीक है ना। जितना PCS का बच्चा था उसका सब कुछ प्री दिसंबर में हो चुका है, अब वो SI पे फोकस कर रहा है। तो भाई कंपटीशन SI में बहुत रहने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक ही सीट चाहिए, वैकेंसी ही 5,000 के करीब आएंगी, 5,623 शायद ऐसी वैकेंसी आएंगी, पर फिर भी आपने
अगर कोई अब भी ना लगाओ तो 60 दिन ना रहें सीजीएल की तैयारी में, अपना इंग्लिश वगैरह देख लो थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। बात आती है यूपीएसआई की, तो भाई अगर कोई भी छोटी मोटी अपडेट आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेवजह की इधर उधर की फालतू की बकैती में कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि जो अब जब केस लड़ेगा 10 तारीख को वकील, उसका नाम क्या है। तो भाई इन चीज़ों में कुछ नहीं है, ठीक है, परेशान मत हो। जैसे भी कुछ अपडेट आएगी, कैसे भी आओगा, वो हमारा काम है आपको देना। बुक लिस्ट मैं आपको शाम को देने वाला हूँ, क्योंकि अभी 2-4 बुक नई आई हैं और यूपी स्पेशल के लिए ही आई हैं। 2 से 3 बुक बहुत ही अच्छी है अगर, और उसमें वैसे भी सबसे पहली बात तो अगर आपको आईपीसी पढ़नी हो तो आपको आईपीसी 1 से लेकर 511 धाराएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेन आप 100 याद कर लो, अगर आप 100 याद करके और वहाँ तक आपको याद रहा तो यही बहुत बड़ी बात है। 100 धाराएं बहुत होती हैं, ठीक है ना। ये सोचना लगता है पर जब करते हैं, जब पता चलता है 511 धाराएं पढ़ तो लोगे, एक बार याद भी कर लोगे, पर भाई डेली वेज में याद रखना, वो भी इतने बड़े सिलेबस के साथ में, तो बहुत बड़ी बात है। तो इम्पोर्टेंट आपको करना है, और भाई और आगे आपकी मर्जी। मैं तो शाम को रिव्यू अपनी बुक करने वाला हूँ, शाम तक या कल सुबह तक 100% एक वीडियो आ जाएगी। तो प्लीज़ अगर कोई नया हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ यूपीएस आएगी, अगर आपको कुछ अपने लेवल पे कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आगे भी आपको तुरंत के तुरंत बता दूंगा। रखता हूँ दोस्तों, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।